हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज का वीडियो एयर कंडीशनर पर बेस्ड है। इंडिया का एसी मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2007 में ईयरली 10 से 11 लाख एसी सेल होते थे, आज 55 से 60 लाख एसी ईयरली सेल हो रहे हैं। और खास बात तो ये है कि इंडिया में ओनली 4% हाउस होल्ड के पास ही एसी है, जिसके कारण सभी बड़ी कंपनीज इंडिया को पोटेंशियल मार्केट समझती है और इसी कॉम्पिटिशन का फायदा कस्टमर को मिलता है, क्योंकि हर ब्रांड कुछ नया और कुछ अच्छा हमेशा लाता रहता है। इसी इनोवेशन की कड़ी में मैं आजाद के लिए भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी आईएफबी का लेटेस्ट लॉन्च एसी लाया हूं, जिसके फीचर बहुत ही ज्यादा यूजफुल, एक्साइटिंग और ट्रेंड सेटर है। आईएफबी अपने इस एसी को द जीरो कॉम्प्रोमाइज एसी के नाम से एडवर्टाइज कर रहा है। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं और पता करते हैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट और देखेंगे कुछ इसके अमेजिंग फीचर्स। तो चलिए गाइस, फटाफट कर लेते हैं एसी को अनबॉक्स। तो गाइस, अनबॉक्सिंग तो हो गया, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके कुछ बॉक्स कंटेंट की। तो सबसे पहला, इसमें आपको इनडोर का वॉल माउंट स्टैंड मिल जाता है। स्टैंड पूरा स्टील का बना हुआ है और ये काफी मजबूत भी है। दूसरा, इसमें आपको पावर सप्लाई के लिए पावर केबल मिल जाता है, जो कि पूरा हार्ड मटेरियल का बना हुआ है और ये केबल करीब 10 फीट का आपको मिल जाता है। अगला, इसमें आपको ये आईबी का यूजर मैनुअल मिल जाता है, जो कि पूरा बुक पैटर्न में है और ये मैनुअल काफी अट्रैक्टिव भी दिख रहा है। नेक्स्ट, इसमें आपको रिमोट मिल जाता है। तो गाइस, अगर इस रिमोट की लुक्स के बारे में बात करें तो ये रिमोट पूरा मैट फिनिश में आपको मिलता है और ये रिमोट हाथ में पकड़ने में भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये रिमोट में आपको काफी सारे बटन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन आपको ऑन ऑफ का मिल जाएगा, ये डिस्प्ले का बटन है और यहाँ पर आपको काफी बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पर टाइमर का मिल जाता है, यहाँ से आप अपने एसी में टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। दूसरा बटन आपको सुपर का मिल जाता है, यहाँ से आप अपने एसी के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगला बटन आपको हेल्थ का मिल जाएगा, हेल्थ बटन को प्रेस करने से जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो एक्टिव हो जाएंगे, जो कि आपके रूम के सारे बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे आपके हेल्थ को कुछ नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। अगला, इसमें आपको फ़ैन का बटन मिल जाता है, इस बटन से केवल एसी का ब्लोअर चलेगा, लाइक नॉर्मल फ़ैन कूलिंग नहीं होगा। अगला बटन आपको इको का मिल जाता है, इस बटन से बेसिकली जो टेम्परेचर है वो आपके कंफर्ट लेवल में सेट हो जाएगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होता रहेगा। नेक्स्ट बटन आपको स्लीप का मिल जाता है, ये बटन को प्रेस करते ही जो आपका एसी है वो ऑटोमेटिकली बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट हो जाता है, जिससे कि आपको बार बार टेम्परेचर को सेट भी करना नहीं पड़ता है। और अगला दो बटन आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग का मिल जाता है और यहाँ पर नीचे में आपको मोड का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप अपने मर्जी के हिसाब से मोड को चेंज कर सकते हैं। और नीचे में यहाँ पर आपको टेम्परेचर प्लस माइनस करने का भी बटन देखने को मिल जाता है और सबसे नीचे में यहाँ पर आपको आईएफबी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और गाइस, इस रिमोट की अगर ओवरऑल बात करूँ तो रिमोट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। और गाइस, ये रिमोट के साथ आपको ये रिमोट का स्टैंड भी मिल जाता है, जो कि पूरा हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है और ये काफ़ी मजबूत भी लग रहा है। तो गाइस, लास्ट में बॉक्स मिल जाता है। अगर मैं बॉक्स की बात करूँ तो सामने में आपको आईएफबी फास्ट कूलिंग द जीरो कॉम्प्रोमाइज एसी लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपको एयर ट्रीटमेंट किट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ फिल्टर्स के ड्राइंग देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस, इसके अंदर हमको चार स्ट्रिप देखने को मिल जाते हैं। पहला दो स्ट्रिप आपको एंटीबैक्टीरियल का मिल जाता है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताया हूँ। और इसमें आपको दो स्ट्रिप देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फिल्टर्स को अलग अलग दो भागों में बांटा गया है। पहले स्ट्रिप की बात करूँ तो इसमें आपको विटामिन सी डिफ्यूजर देखने को मिल जाता है और इसके बाजू में आपको कैटचिन फिल्टर देखने को मिल जाता है। अगर दूसरे स्ट्रिप के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर देखने को मिल जाता है और बाजू में आपको PM0.3 फिल्टर देखने को मिल जाता है। और गाइस, ये सब के साथ आता है आउटडोर स्टैंड। कोई भी कंपनी अपने के साथ आउटडोर स्टैंड नहीं देती है, पर आईएफबी ने अपने इस एसी के साथ आउटडोर स्टैंड फ्री दिया है। और ये स्टैंड मौजूद होने के साथ वेदरप्रूफ कोटिंग के साथ आता है, जिससे इसमें जंग नहीं लगता है और स्टैंड की लाइफ काफी बढ़ जाती है। और एक खास बात आपको बता दूं कि इसके स्क्रू स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। तो गाइस, मैं तो काफी इंप्रेस हूं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इस एसी के कुछ मेन हाइलाइट्स की।
जिसका जो इंडोर है उसका कलर हल्का क्रीमियर है। जनरली इंडोर व्हाइट कलर के आते हैं लेकिन थोड़ा ऑफ बीट है। इसके इंडोर में जो ब्लोवर लगा है वो 30 फीट का एयर थ्रो फेंकता है जो कि एक रूम के लिए मोर देन इनफ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोमेस्टिक एसी का एयर थ्रो 22 से 25 फीट का होता है और ओजनरा के कमर्शियल एसी का एयर थ्रो 50 से 60 फीट का होता है। प्लस इसमें आपको 4-way स्विंग देखने को मिल जाता है जिससे कि हवा आपके रूम के कोने कोने तक पहुंचता है जिससे कि आपका रूम काफी आसानी से ठंडा हो जाता है। तो गाइस इस एसी का जो मेन फोकस है वो कूलिंग के साथ क्लीन एयर का। उसके लिए इस एसी में 7 फिल्टर लगे हुए हैं। गाइस जनरली जो एसी के रूम होते हैं वो चारों तरफ से पैक्ड होते हैं जिसके कारण उसमें फ्रेश एयर नहीं आ पाता है और एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है, इसलिए फिल्टर काफी यूजफुल है। और इसके अलावा गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एसी वाले रूम को दिन में एक बार जरूर खोलें जिससे कि उसमें फ्रेश एयर सर्कुलेट होंगी। तो गाइस जनरली हम एसी क्यों लेते हैं? ताकि एसी हमारे रूम के एयर को ठंडा कर सके। पर जब हम एसी लगाते हैं तो सिर्फ हमारे रूम के एयर को सर्कुलेट करके हमें ठंडा एयर प्रोवाइड करता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रूम ठंडा हो तो उसका एयर भी शुद्ध हो। एसी तो हमारे रूम के एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देता है पर हमें शुद्ध एयर प्रोवाइड नहीं करता जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। और ज्यादातर देखा गया है कि घर के अंदर का जो पॉल्यूशन लेवल होता है वो बाहर से 4 गुना ज्यादा होता है। जो बाहर का एयर होता है वो बार बार हवा के चलने से सर्कुलेट होता रहता है, पर घर में ऐसा नहीं होता क्योंकि घर चारों तरफ से पैक्ड होता है और बाहर का डस्ट और बैक्टीरिया हमारे घर में डिपॉजिट होते जाता है जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए ये सब को ध्यान में रखते हुए आईबी ने एसी बनाया है जिसमें आपको 7 स्टेज ऑफ क्लीनिंग एयर मिलता है। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं 7 फिल्टर के बारे में। तो जो सबसे पहला फिल्टर आपको इस एसी में देखने को मिलता है वो डस्ट फिल्टर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह हवा से डस्ट और बैक्टीरिया को निकाल देता है और आपको उनसे होने वाली एलर्जी से बचाता है। अगला फिल्टर जो इस एसी में है वो है PM 0.3 फिल्टर। ये फिल्टर बहुत ही खास है क्योंकि हवा में मौजूद बहुत ही छोटे 0.3 माइक्रोन्स तक के पॉल्यूटेंट को फिल्टर कर सकता है। और गाइस ये फिल्टर इतने छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है जिसको हम अपने आंख से देख भी नहीं सकते। और गाइस आपको एक कंपैरिजन के लिए बता दूं, हमारे हेयर का विड्थ 70 माइक्रोन्स तक होता है तो ये 0.3 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है जो कि वाकई में अमेजिंग है। इसके बाद जो फिल्टर इस एसी में आता है वो है एंटीबैक्टीरियल फिल्टर। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि हवा में मौजूद बैक्टीरिया पैथोजन को फिल्टर कर देता है जिससे कि आपको बाहर के जर्म्स और बैक्टीरिया का खतरा भी नहीं रहता। तो जो चौथा फिल्टर इस एसी में आपको मिल जाता है वो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। इस फिल्टर में एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा से स्मोक, हार्मफुल गैसेस और केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको एक बहुत ही ज्यादा ताजा और फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो फिल्टर इस एसी में आपको मिल जाता है वो कैटचिंग फिल्टर जो कि हवा से बदबू को मिटा देता है और आपको एक ऑडर फ्री एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद इस एसी में आपको विटामिन सी डिफ्यूजर देखने को मिल जाता है जो कि हवा में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को डिफ्यूज करके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आपको देता है और भी ज्यादा हेल्दी एयर। सबसे लास्ट इसमें आपको अरोमा डिफ्यूजर देखने को मिल जाता है जो कि हवा में सैंड को इन्फ्यूज करता है जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिलता है। ये डिफ्यूजर आपको 2 फ्रेग्रेंस में मिल जाता है, पहला फ्लोरल हार्मोनी और दूसरा ओशन फ्रेश। और ये डिफ्यूजर आपको पेड बेसिस पे मिलेगा, अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस है ना कमाल के फिल्टर इस एसी में। ये एसी तो एयर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो कॉम्प्रोमाइज एसी ऑन एयर क्वालिटी। गाइस जैसे कि आप जानते होंगे कि हर साल गर्मी में बाहर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पहले जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता था वो 40 से 42 डिग्री तक रहता था लेकिन अब 48 से 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसलिए एसी आता है हैवी ड्यूटी कंप्रेसर यानी एचडी कंप्रेसर जो कि आपको 58 डिग्री टेम्परेचर पर भी ऑपरेट करेगा। और गाइस एसी में इको फ्रेंडली R32 गैस डाला गया है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता और इसके लोअर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए इसको R410A की जगह यूज किया गया है। तो गाइस ये फीचर इस एसी को और यूनिक बना देता है क्योंकि इन्वर्टर एसी का पीसीबी काफी कॉस्टली आता है, इसलिए इस एसी में पीसीबी को एयर कूल रखा गया है जिससे इस एसी की लाइफ काफी बढ़ जाती है और आईबी अपने इस पीसीबी पर 5 ईयर्स की वारंटी भी देता है। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो अगला फीचर जो इस एसी को और खास बना देता है वो गोल्ड फिन टेक्नोलॉजी। ज्यादातर एसी में 2 तरह के फिन्स आते हैं, पहला बेयर फिन्स और दूसरा कोटेड फिन्स। कोटेड फिन्स भी 2 टाइप के आते हैं, पहला ब्लू कोटेड फिन्स और दूसरा टाइटन गोल्ड इवोपोरेटेड फिन जो कि गोल्डन कलर का होता है। यही फिन इस एसी में लगा हुआ है जो कि एसी के इवोपोरेटर कंडेंसर में रश और मॉइस्चर को रुकने नहीं देता जिससे कि उसमें डस्ट और लीकेज का टेंशन भी नहीं रहता। और गाइस एक खास बात बता दूं कि ये गोल्ड फिन इंडोर और आउटडोर दोनों में लगा हुआ है जिससे उन दोनों की लाइफ काफी बढ़ जाती है। तो गाइस इस एसी के अगर ओवरऑल बात की जाए तो कूलिंग के साथ क्लीन एयर पर भी बहुत ध्यान दिया गया है जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि बंद कमरे में सेम एयर सर्कुलेट होने के कारण एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है जो कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है।
तो गाइस एयर ट्रीटमेंट के लिए तो मैं इस एसी को फुल मार्क्स देता हूँ। और इसका हैवी कंप्रेसर जो कि 58 डिग्री तक काम करता है, वो ये इंश्योर करता है कि आपका एसी आने वाले समय में जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है उसमें भी प्रॉपरली काम करेगा। क्योंकि गाइस आप तो जानते हैं कि हर गर्मी पिछले गर्मी का रिकॉर्ड टूटते ही जा रहा है। ये एकमात्र ऐसा एसी है जो आउटडोर रखने का स्टैंड फ्री देता है, वो भी स्टेनलेस स्टील स्क्रू के साथ, जो आपके स्टैंड में जंग लगने नहीं देता। और अगर इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो इस एसी में वारंटी और दी जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसे एम्स्टेड, वोल्टास, लॉयड अपने एसी में 5 साल की कंप्लीट वारंटी देती है, लेकिन आईबी की इस एसी में आपको कंप्लीट 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना था। ओवरऑल बात की जाए इस एसी की तो एसी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नए फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और गाइस अगले गर्मी के लिए अगर आप एक एसी लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एसी आप जरूर कंसिडर करें। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन सा एसी का अनबॉक्सिंग चाहिए, हम आपके लिए ला के देंगे। टिल देन टेक केयर।